हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर फोर क्या कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ फिफ्टीन स्टूडेंट्स इज फोर्टी फाइव फोकस से समझना इस चीज को ठीक है सर गिविन कंडीशन से शुरू करते हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ फिफ्टीन स्टूडेंट्स कितना दे रखा है आपको फोर्टी फाइव दे रखा है तो मैं यहाँ पे गिविन में डाल रहा हूँ यहाँ पे देखना आप एवरेज मार्क्स ऑफ फिफ्टीन स्टूडेंट्स 45. मुझे बताओ टोटल मार्क्स कितने हो गए टोटल मार्क्स ऑफ फिफ्टीन स्टूडेंट ये वाली चीज समझ में आ गई आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा है तो भाई एवरेज मार्क्स दे रहे फिफ्टी स्टूडेंट फोर्टी फाइव मतलब कि हर एक स्टूडेंट के फोर्टी फाइव में एक स्टूडेंट के फोर्टी फाइव दूसरे के फोर्टी फाइव थर्ड के फोर्टी फाइव फोर्थ के फोर्टीफाइव फिफ्थ के मतलब इस तरीके से फॉर्टीन स्टूडेंट के फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव अगर मुझे टोटल मार्क्स निकालना है तो या तो मुझे फोर्टी फाइव को एड करना पड़ेगा फिफ्टीन टाइम्स या फिर मुझे डायरेक्टली फोर्टी फाइव मट्टीप्लाई फिफ्टी करना पड़ेगा बताओ समझ में आया क्या हाँ सर आ गया मल्टीप्लाई करना है सिंपली आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हो जैसे कि मैं लगा रहा हूँ 90, 90, 180, 180, 5, 5, कैसे किया समझाता हूँ आपको मैं आप भी इन मेथड्स को यूज कर सकते हो वैसे ये प्रॉपरली अगर आप देखोगे बेसिक कंसेप्ट है या फिर मैं कुछ बेसिक लेक्टर्स बनाऊंगा एक बार यहाँ पे ठीक है

90 हो गया एक और टू टाइम लूंगा तो फिर 90 हो जाएगा तो मैंने 180 पता कर लिया ठीक है फिर एक बार और फोर्टी फाइव बचाव टाइम था ना फोर्टी का मल्टीप्लाई तो दो बार किया तो नाइनटी फिर दो बार किया तो नाइनटी और एक बार और बचा तो एक बार में फोर्टी फाइव एड कर लिया लाइक दैट तो फाइव टू एन और टू टू फाइव और टू टू फाइव को फोर फिफ्टी से एड कर दिया सिंपल है तो इस तरीके से अपने कैलकुलेशन का थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बाकी आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है चलिए ओके okay, आगे देखते हैं इफ एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट एट स्टूडेंट इज फोर्ट ये तो ध्यान रखना ये टोटल मार्क्स हो गए अपने पास क्या हो गए भैया ये आपके पास टोटल मार्क्स हो गए अब यहां से कहानी शुरू होती है थोड़ी सी डिफरेंट कैसे कहानी डिफरेंट शुरू होगी देखना फर्स्ट एट स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स क्या है वो देखो एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट एट स्टूडेंट्स फोकस रहेगा आपका यहां पर सारा ओके एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट एट स्टूडेंट कितना है फोर्टी एट तो टोटल मार्क्स कितने हुए वो पकड़ो आप टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट एट स्टूडेंट वेट मिनट वेट मिनट वेट मिनट मार्क्स ऑफ फर्स्ट एट स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे फोर्टी एट को मल्टीप्लाई कर दो एट से बताओ समझ में आया क्या हाँ सर आ गया सिम्पल है बिल्कुल कुछ ऐसा हार्ड कंसेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए एट को इससे मल्टीप्लाई करना है एट एट जो सिक्सटी फोर सिक्स फोर ठीक है आ, ये कितना हो जाएगा एट फोर थर्टी टू थर्टी टू में ऐड करेंगे अपन थ्री टू और ये हो गया थ्री एट फोर बताओ समझ में आया क्या ठीक है सर ये भी आ गया समझ में आगे देखें आप, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं हम देखो आ, ये अपन देख लेते हैं यहाँ पर कहा गया कहां पहुंच गया यहाँ तक पहुंच गया थोड़ा सा स्पेस की कमी है नेक्स्ट वाले में नहीं है क्या इसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा भाई इसके लिए एक और नया पेन ले ले ब्लैक से कर लेते हैं चलो देखो एंड डेट ऑफ लास्ट एट स्टूडेंट ठीक है फिर से मैं एवरेज लिख रहा हूँ एवरेज मार्क्स ऑफ लास्ट एट स्टूडेंट्स थोड़ा फोकस करेंगे आप यहाँ पर लास्ट एट स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है आपके पास फोर्टी टू है तो आप मुझे बताइए टोटल तो तो मार्क्स ऑफ राइटिंग थोड़ी सी बुरी है थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा बुरी है शायद मेरे हिसाब से बच्चे बहुत कमेंट्स में सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे राइटिंग के मिलते हैं बट प्लीज एडजस्ट करिए आप लोग क्योंकि मतलब इससे सुधर नहीं सकती मेरी ठीक <laughs> है मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ सीरियसली लिखने की बट कॉलेज में जाने के बाद ऐसी राइटिंग मतलब बनी है पूछा मत मतलब। और इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पता ही है राइटिंग का हा क्या हाल रहता है स्टूडेंट्स का किस तरीके से हमें शीट्स भरनी पड़ती है मतलब एग्जाम किस तरीके से मतलब दे के आते हैं हम ही जानते हैं देखो स्टूडेंट्स का हो गया तो ये फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई एट एट टू सिक्सटीन सिक्स वन ठीक है थ्री थ्री सिक्स क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको इतना हार्ड होने वाला न? साइंस वाला केस नहीं है अपने पास कॉमर्स वाला है अपन ठीक है ना तो कॉमर्स वालों के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा डाउन करके चल रहे हैं अपन ठीक है बाकी कॉमर्स वालों वो एक्चुअल में कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर तो वैसे अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं आप लोग तो आपकी कैलकुलेशन सीरियसली वालों से ज्यादा बेटर है मुझे तो ऐसा लगता है फाइंड द मार्क्स बाय स्टूडेंट ओके अब हम ध्यान देंगे फाइंड द मार्क्स ऑप्टेन बाई स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए मतलब कि एर्थ नंबर पे जो स्टूडेंट बैठा ना उसके मार्क्स की बात हो रही है अब देखो ये एट और ये एट मिला के कितना हुआ आप मुझे बताओ सिक्सटीन हो गया ये ये एट और एट मिला के कितना हो गया सिक्सटीन हो गया अब आप कहोगे सर स्टूडेंट तो फिफ्टीन ही अपने पास सिक्सटीन कहां से बोल गया अब सिक्सटीन का रीजन समझो आप टोटल फिफ्टीन दे दिया आपको ठीक है इन दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन कितना आ रहा है आपके पास सिक्सटीन आ रहा है जबकि सिक्सटीन स्टूडेंट है ही नहीं है अपने पास यानी कि स्टार्टिंग से अगर मैं देखूं तो एक स्टूडेंट रिपीट हो रहा है मेरे पास एक स्टूडेंट जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है भैया रिपीट हो रहा है देखो यहां पर भी एट की बात हो रही है आप अगर मैं काउंटिंग अगर आपको बताऊ ना तो देखो थोड़ा सा समझना इसको मतलब तो दो मिनट लूंगा मैं आपके हल्का सा एक्सप्लेन करने के लिए बाकी चाहूँ तो जल्दी भी कर सकता हूँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन अब मेरी बात को थोड़ा समझना आप इसको ये हो गए स्टार्टिंग के आंट स्टूडेंट्स ठीक है अब मुझे लास्ट से एट लेना है तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये दोनों गाड़ी इसी जगह उठ रही है इसका मतलब इनके अंदर एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है मतलब उसके मार्क्स इसमें भी ऐड हो रहे हैं एट्थ स्टूडेंट के मार्क्स और इसमें भी ऐड हो रहे हैं समझ में आया यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और इसमें से लेस कर दूं तो इस स्टूडेंट के मार्क्स बन जाएंगे मेरे पास एट्थ वाले स्टूडेंट के समझना इस बात को ना इन दोनों को अपन ऐड करें तो आपके पास फर्स्ट एट स्टूडेंट प्लस लास्ट एट स्टूडेंट समझ रहे हो फर्स्ट से और लास्ट से दोनों को मैं ऐड करूं तो थ्री एट फोर प्लस थ्री थ्री सिक्स कितना हो जाएगा आपके पास सिक्स फोर टेन कितना हो गया ये नाइन फोर ट्वेल्व वन और ये सेवन सेवन ट्वेंटी हो गया वन ही सेवन ट्वेंटी तो आपके जो लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स बचे हैं वो मैं यहां लिख रहा हूँ शायद मेरे हिसाब से मेरा फेस आ रहा होगा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार यहाँ पे साइड में यहाँ पे और लिख देंगे इसको अपने एडजस्ट करके हाँ तो आपके पास फाइंड द मार्क्स इवन स्टूडेंट तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स ऑफ एट स्टूडेंट क्या बचेगा यहाँ पे सेवन ट्वेंटी में से आपको माइनस करना है सिक्स सेवन फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो ये हो गया और ट्वेंटी ये हो गया तो ये हो गया फोर्टी फाइव तो एट्थ स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं ना वो क्या है सेवन ट्वेंटी में से सिक्स किया है आपके पास फोर्टी फाइव मार्क्स निकल कर इसमें तो इस इस है है, इस इस भी और इसमें भी ऐड हो रहे दोनों जगह ऐड हो रहे हैं है। तो, लेकिन अपन को चाहिए तो एक बार में तो इन दोनों को अपने जैसे ऐड किया तो इसके मार्क्स दो बार ऐड हो गए तो जैसे इसको माइनस करूंगा ना तो एक मार्क्स जो बचेंगे जो एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड हो रहे हैं वही माइनस होंगे समझना बात को जो एक्स्ट्रा मार्क्स हो रहे हैं वही माइनस होंगे और वही माइनस क्यों होंगे क्योंकि एक्चुअल में मुझे पता है इसके अंदर तो वो एट्थ स्टैंड का मार्क्स एड हो ही चुका है ना तो वो अगर आप इस एक मार्क्स से कंपेयर कर लो तो एक मार्क्स जो बचेगा वो डिट्टो वही वाला सेम वाला मार्क्स होगा समझ पा रहे हो क्या थोड़ा सा मतलब इसको लेक्चर को एक बार वापस रिपीट करके देखना इस लास्ट वाली चीज को आपको समझ में आ जाएगा फिर भी नहीं है तो कमेंट्स बताना मैं कोशिश करूंगा कुछ अच्छा से रिप्लाई करने की आपको बाकी आई होप समझ में आ जाएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में